गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या लक्का मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुदोड़ आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम कल तंत्रा वामीरो पार्ट में तंत्रा और वामीरो दोनों अचानक एक स्थल पर भेंट हो गए और वह आगे जाके जीवन में क्या हो गया, दोनों के बीच में प्यार हो गई। लेकिन वामीरो किस गांव में थी तो उस गांव का नियम यह था कि एक गांव का युवक या युवती दूसरे गांव के युवक या युवती के साथ बातें ना करना। बातें ना करना ऐसा एक नियम था, लेकिन ये क्या हो गया उधर, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये परंपरा का विरुद्ध हो गया। यह जानते भी तंतरा वामीरो के बारे में सोचते हुए रोज पहली बार उन्होंने कहाँ मिले थे, भेंट हुए थे, तो उस स्थल पर उन्होंने रोज वामीरो की प्रतीक्षा करता था। तो वामीरो आ गई, लेकिन उस दिन भी बातें नहीं हुई दोनों के बीच में। ठीक है, वामीरो भी उसे मन से निकालने के लिए उससे दूर होने के लिए बहुत सारे प्रयत्न या प्रयास करती रही, लेकिन उससे नहीं हो रहा था। आइए बच्चों, तो उनके जीवन में आगे जाकर क्या होता है, वे परंपरा के विरुद्ध जाते हैं या उसका पालन करते हैं, देखेंगे। तो पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से देख लो। एकटक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे, सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वामीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। तंतरा अब भी वही खड़ा था, निश्चल और शब्द ही। तो यहां तक हम पिछले कक्षा में देखे थे। आइए बच्चे, आगे क्या होता है देखेंगे। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरों को निर्निमेश ताकते रहते। तो अब इस दिन क्या हुआ था, दोनों मिले थे, बातें नहीं हुई, शब्द ही न, एक दूसरे को निहारते हुए देखते हुए वही खड़े हुए। ये कहाँ था, कहाँ तक था ये, तो उस दिन का सूरज डूब गया था, पूरा पर्यावरण या वातावरण में अंधेरा छा गया था, वहां तक शब्दहीन से वही खड़े थे उन्होंने। तो इस दिन भी क्या पहला दिन ऐसा हुआ था, वही रोज चल रहा था। देखो क्या कहते उन्होंने, दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत मूर्ति जैसे, अब मंदिरों में मूर्ति देखते हुए बातें करते हैं क्या, नहीं, तो उसी तरह मूर्तिवत एक दूसरों को निर्निमेश ताकते रहते। ताकना एक ही नजर से एक दूसरे को देखना, बस भीतर समर्पण था, भीतर अंदर मन में समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था, अनवरत लगातार। अनवरत लगातार गहरा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। ये तो सिर्फ एक ही दिन न हुआ था, ये रोज ऐसा ही चलता था, ये दोनों बातें नहीं करते थे, उन्होंने दोनों क्या होते थे, एक दूसरे को निहारते हुए, एक दूसरे को देखते हुए दोनों उधर ही खड़े हो जाते थे, शब्दहीन। तो इस तरह चल रहा था। तो एक दिन क्या हुआ, लपाती के कुछ युवकों ने, लपाती वामीरो गांव के, वामीरो युवती के गांव के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया। वे दोनों को या तो उसका खबर उन लोगों को मिल गया और खबर हवा की तरह बह उठी। ये दोनों का खबर विषय न्यूज
ये क्या हुआ, हवा की तरह बह उठी। बहना मतलब अब वायु बहता है ना, पानी बहता है, उसी तरह इधर क्या हो गया, वह खबर हवा की तरह बह उठी। मतलब लोगों के मुंह में जब यह खबर मिल गया, वे क्या किए, पूरे गांव में फैलाए दी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और तंतरा पासा का, दोनों का संबंध, दोनों का संबंध संभव न था। दोनों एक ही गांव के नहीं थे, दोनों अलग अलग गांव के थे और दोनों का संबंध संभव न था। मतलब संबंध होना नहीं था, क्योंकि उस गांव का नियम आप पहले ही जानते हैं, समझ में आ रहे ना। उसी तरह रीति अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। संबंध होना हो तो ठीक है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित होना हो तो नियम क्या था, वो रीति के अनुसार, मतलब वो नियम के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना चाहिए। दोनों एक ही गांव के हो तो संबंध स्थापित होना था, यह तो नियम था उस गांव का। वामीरों और तंतरा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। अडिग मतलब अटल, अडिग मतलब अटल, स्थिर रहना, डटे रहना होते ना, डटे रहना या स्थिर रहना, ठीक है, मौन मारो हट हिड़ी दो, वही अर्थ होता है। गांव के लोग यह समझकर वामीर और तंतरा को समझाने और बुझाने के, तब जब गांव के लोगों में यह गांव के लोगों को यह खबर मिली, तो उस समय उन्होंने क्या किए, पूरे गांव पर फैलाए दिए। बाद में दोनों को समझाने के लिए और इनको एक दूसरे को भूलने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, मतलब प्रयत्न किए, लेकिन वे दोनों क्या किए, अडिग रहे, अडिग रहे मतलब अटल, ठीक है। वे नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। देख लो क्या हुआ, नियमतः लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते रहे। उन्होंने गांव के लोग समझाने के लिए कोशिश किए, लेकिन वे अडिग रहे मतलब अटल रहे। और नियमतः मतलब किस तरह रोज वे करते थे, उसी तरह लपाती के समुद्री किनारे वही उन्होंने फिर रोज मिलते रहे। अफवाहें फैलती रही, अफवाहें मतलब क्या होते हैं, उड़ता खबर, उड़ता खबर। ये दोनों उधर रोज मिलते रहे तो उसका खबर क्या हो गया, उड़ता गया, मतलब विषय ऐनैत्री और दिनालु अल्ले कूड़ो अरे भेटे आगता आवय ऊरी तुम्बेल हरडति वदंती विषय आ ऊरी हरडति। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व, पर्व मतलब त्यौहार, पर्व मतलब त्यौहार, फेस्टिवल। पशु पर्व, पशु मतलब जानवर, गाय बोलते हैं ना। पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में रुष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। देख लो पशु पर्व में क्या होते थे, वो गांव के रुष्ट पुष्ट मतलब बलवान शक्तिवान, पशु पर्व में रुष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त, अब भी क्या है, गांव में चलता रहता है, गांव में चलता रहता है पशु पर्व। उसी तरह उधर भी क्या हुआ, रुष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त, प्रदर्शन मतलब तो उधर हमारा पशु क्या है, रुष्ट पुष्ट है, हल्दी नडीत नोड़े एन कल जग्गो आट नडीत आम टगरी काल अंत आड़स्ता यहाँ शक्ति गेल्त तो उसी तरह उधर भी क्या हो रहा था, पशु पर्व चल रहा था। उसमें उस पर्व में क्या हुआ था,
वो रुष्ट पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त, मतलब इनके अलावा युवा हरतु पड़ी से पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती है। पशुओं के अलावा युवकों की शक्ति परीक्षा, युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता भी होती। पशुओं जिस तरह रुष्ट पुष्ट पशुओं की वह प्रदर्शन होता था, उसी तरह इधर क्या होता था, युवकों की शक्ति परीक्षा प्रतियोगिता, प्रतियोगिता मतलब स्पर्धा, कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता स्पर्धा या तो और एक अर्थ कॉम्पिटिशन होती है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं, हिस्सा मतलब भाग। बाद में नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते हैं, मतलब यह स्पर्धा चलाने के लिए या पर्व मनाने के लिए वर्ष में एक बार गांव के सभी लोग क्या करते हैं, ये बांट लेते हैं, मतलब भाग करके वे अपने बीच में बांट लेते हैं। तो यह होने के बाद क्या होता है, नृत्य संगीत, नृत्य मतलब डांस, नृत्य संगीत और भोजन का भी आयोजन होता है। भोजन मतलब खाना। पर्व हो तो हर एक गांव में ऐसा है, वो तो कार्यक्रम रहते हैं, आयोजन होता है। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, मतलब पासा क्या है, तो तंतरा का गांव। सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे, एकत्रित मतलब इकट्ठा होना, जमा होना, एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। तो इस तरह क्या हुआ उधर, जब शाम शाम ढलता है तो उस समय क्या हो गए, सभी लोग एक ही स्थल पर एकत्रित मतलब जमा, इकट्ठा होना, तो ऐसा होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। धीरे धीरे मतलब धीमी से, निधानवाई, ಒಂದೊಂದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಶುರುವಾದವು, ಶುರು ಹುಯೆ ತಂತರಾ ಕಾ ಮನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ ಮೇ ಸಾರಿ ಶಾಮ್ ಸೇ ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಪಾಸಾ ಮೇ ಏಕತ್ರಿತ ಹೋನೆ ಲಗೆ ಧೀರೆ ಧೀರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಹುಯೆ ತಂತರಾ ಕಾ ಮನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋ ಮೇ ತನೀಕ್ ನ ಥಾ ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇ ಭಾಗ ಲೇಕರ್ ಬಹುತ ಖುಷಿ ಸೇ ದಿನ ಬಿತಾ ರಹೇ ಥೇ ಯಾ ಸಮಯ ಬಿತಾ ರಹೇ ಥೇ लेकिन तंतरा का मन इस कार्यक्रम में तनिक न था, मतलब जरा भी भाग न लिया था। तनिक मतलब जरा भी, तनिक जरा भी उस कार्यक्रम में उन्होंने मन से भाग नहीं लिया था। ठीक है, उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। तो उनका एक मन का भार अलग था, किसका, तंतरा का। सभी लोग खुशी में उधर भाग लेकर त्योहार मना रहे थे, लेकिन तंतरा का मन का भार आप भी जानते हैं, वो अलग था। उन्होंने क्या कर रहा था, उसकी व्याकुल आंखें, व्याकुल मतलब किसी को ढूंढने का भाव, उसकी व्याकुल आंखें वामीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। व्यस्त मतलब बिजी। सभी लोग त्योहार मना रहे थे, तंतरा क्या कर रहा था, वामीरों को ढूंढ रहा था। नारियल के झुंड के एक पेड़ के नीचे, नारियल झुंड मतलब कोकोनट ट्री, नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा। झांकना मतलब देखना, इनुकी नोड़ो अंतरिल कल्लतन दिन इनुकी नोड़ो। तो उधर क्या हो गया उसे, तो तंतरा भी वामीरों की प्रतीक्षा में था। तो उसी समय क्या हो गया, तो एक पेड़ के झुंड में, पेड़ के नीचे से उसे जैसे कोई झांकता दिखा, कोई उसे देख रहे हैं। तो ऐसा उसे महसूस हुआ और देख लिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की, तो उसे ऐसा लगा दूर से दिखाई दिया। उन्होंने क्या किया, और जरा निकट, निकट मतलब और जरा आगे जाकर,
उसने थोड़ा और करीब, करीब मतलब और जरा निकट जाकर पहचानने की चेष्टा की। वह वामिरो थी जो भाववश सामने आने में झिझक रही थी। झिझक मतलब आगे पीछे हो, झिझक मतलब पीछे हो। तो तंतरा को वह क्या हो गया, वो कौन है, तो जानने की इच्छा ज्यादा हुआ और जरा करीब मतलब आगे जाके देख लिया वह कौन थी। वामिरो थी जो भावावेश सामने आने में भयवश ठीक है, जो भयवश सामने आने में झिझक रही, मतलब भयवश मतलब डर से, वो वामिरो भय से सामने आने के लिए क्या कर रही थी, वो आगे पीछे हो रही, मतलब उधर ही वो पेड़ के पीछे वो खड़ी थी। उसकी आंखें तरल थी, तरल मतलब आंखें भीग गई, मतलब आंखों में आंसू दिख रहे थे, तरल मतलब आंसू पानी। उसकी आंखें तरल थी, होंठ खांप रहे थे, होंठ मतलब लिप्स, होंठ खांप रहे थे। तंतरा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी। देखो तो चेहरे का भाव कैसा था, तो उसी भाव में तंतरा को देखते ही उसे सहन करने के लिए न हुआ, तो उस समय वो क्या करने लगी, फूट कर मतलब फूट कर रोने लगी। ಅವನನ್ನು ನೋಡಿಯವಳಿಗೆ ದುಃಖ ತಡೆಯಲು ಆಗದೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ರೋಣೆಲಗಿ ತಂತರ ವಿಹಲ್ ಹುವ, ವಿಹಲ್ ಮತ್ಲ ವ್ಯಾಕುಲ ಬೇಚೈನ, ತೋ ರೋ ರಹಿಯೇ ಉಸೆ ದೇಖೆ ತೋ ಯಾ ಇಸೆ ಖುಷ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕ್ಯಾ ನಹೀ, ಉಸ್ಕಾ ಭಿ ಮನ್ ಕ್ಯಾ ಹೋ ಗಯಾ, ಬೇಚೈನ, ಬೇಚೈನ ಮತ್ಲಬ ದುಃಖ, ದುಃಖಿತ ಹುವ, ಉಸ್ನೆ ಕುಚ್ ಬೋಲ್ತೆ ಹೀ नहीं बन रहा था। बातें ना आ रहे थे, वो फूट फूट कर रोने लगी। कौन? वामिरो। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी, मुंह से बातें ना निकले, फूट फूट कर रो रही थी। तो पहले रोने का आवाज जरा कम था, जब अंतरा को देख लिया तो उस समय क्या हुआ, रोने की आवाज और ऊंची होने लगी। ಯಾವಾಗ ತಂತ್ರಾನ ನೋಡಿದಳು ಅವಾಗ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತರಿ, ಅವಳು ಅಳುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು। ಊಂಚಿ ಹೋತಿ ಜಾ ರಹಿತಿ, ತಂತ್ರ ಕಿಂಕರ್ತ ವ್ಯವಿಮೂಢ ಥಾ, ಮತ್ಲಬ್ ಉಸೆ ಬಹುತ್ ಘಬರಾ ಗಯೆ, ಅಬ್ ಹೋಶ್ ನ ಹೋನಾ, वो पूरा आश्चर्य से उसे देखने लगा, दिग्भ्रमेगोंडो अंत हेळ्तरल्रि, बहुत बहुत आश्चर्यदिंद दिग्भ्रमेगोंडो अवळन्नु नोडुत्ता निंतुकोंडबिट्ट, यारो तंतर। तो तंतर किंकर्त व्यविमूढ था। वामिरो के रुधन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो गई। तो तंतर वामिरो बहुत जोर से रोने लगी, तो उस समय क्या हो गया, तो उसकी रोने की आवाज वामिरो की माँ तक पहुंच गई। तो वह आवाज सुनकर क्या हो गया, उधर उसकी माँ पहुंची, मतलब वामिरो की माँ उधर आ गई। अवळु अळुवंतह शब्दवन्न केळि अवळ ताई ओडि बंद, वामिरोळ ताई पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। आग बबूला होना मुहावरे है, आग बबुला होना बहुत क्रोधित होना, क्रोधित अंद्रे इवरिबरन्न नोडि अवरिगे बहळ सिट्टु बंदबिडतु। कौन थी वो? वामिरो की माँ। इन दोनों को देखते ही क्या हो गया, आग बबुला हो उठी, मतलब आग बबुला होना क्या है, मुहावरे है, तो उसका अर्थ क्या होता है, अत्यंत क्रोधित होना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। ठीक है, तो सभी गांव वाले इन दोनों को देखते ही वही खड़े थे। जब माँ उधर आकर यह हालत देखती है या वह दृश्य देखती है, तो उस समय माँ को ऐसा लगा कि वो क्या है, एक अपमानजनक, हमें अपमानजनक है, मतलब अपमान हुआ।
इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। माँ उधर उपस्थित हुई तो माँ के साथ गांव के और कुछ लोग भी उधर पहुंच गए। वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी। उफन मतलब उफन, व्यक्ति का आवेश में आना। उफन उठी मतलब ये देखते ही वामिरों की माँ क्रोध में उफन उठी, मतलब बहुत वो उसे क्या हो गया, बहुत आवेश या बहुत क्रोध आ गए। ठीक है, उसने तंत्रा को तरह तरह से अपमानित किया। वामिरों की माँ क्या किया, बहुत क्रोध में या आवेश में वो क्या किया, तंत्रा को बहुत अपमानित किया, मतलब डांटने लगी, वो गालियां दी। तो मगर वामिरोर तायिट्रे तंत्रन बैदान अवमानगद अपमानित किया। गांव के लोग भी तंत्रा के विरोध में आवाज उठाने लगे। जब वामिरों की माँ उसे गालियां देते हुए उसे अपमानित किया और उसके स्वर के साथ माँ क्या डांटने लगी थी, माँ के साथ गांव के भी कुछ लोग क्या किए, तंत्रा को डांटने लगे और तंत्रा के विरुद्ध में आवाज उठाने लगी जोर से। वे गांव के लोग भी क्या किए, तंत्रा को डांटने लगे या गालियां देने लगे। यह तंत्रा के लिए असहनीय था, मतलब वे गांव वाले डांटने का और वामिरों की मां डांटने का तंत्रा को सहन करने के लिए न हुआ। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। यह सब ऐसा दृश्य चल रहा था लेकिन वामिरो अब भी क्या कर रही थी, जोर से रो रही थी। तंत्रा भी गुस्से से भर उठा। जब वामिरो जोर से रोने का दृश्य देखा तो उस समय तंत्रा को क्या हो गया, बहुत गुस्सा आ गया। देख लो क्या करता है गुस्से में। उसे जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, क्षोभ मतलब क्रोध, जहां विवाह की निषेध परंपरा पर क्षोभ था, क्षोभ मतलब क्रोध, तो एक गांव का नियम था, उस नियम पर उसे क्या था, बहुत क्षोभ मतलब क्रोध। गांव का क्या नियम था, उस नियम पर तंत्रा को पहले से ही क्या था, बहुत क्रोध था। वही अपनी असहायता पर खींच, उन्होंने क्या किया, असहायता पर खींच, उन्होंने क्या किया, अपने बहुत क्रोध दिखाने लगा उस समय, क्योंकि वह गांव का क्या नियम था, उस नियम पर उसे बहुत क्रोध था। उस क्रोध से क्या करने लगा, उन्होंने उसके पूरे आंखे लाल हो गए। ठीक है, क्रोध से उधर वो क्या करता है, तो उसका आगे का क्या क्या भाग है हम कल देखेंगे बच्चों, या अगले कक्षा में देखेंगे। देख लो आज क्या हुआ, वामिरो और तंत्रा के बीच में जो परंपरा के विरुद्ध गए या वे अलग हो गए, यह अभी नहीं आया है, यह विषय का चर्चा अभी नहीं हुआ है। तो सिर्फ अब क्या हो रहा है, पर्व में वे दोनों का भेंट हुई, तो उस समय क्या हालत हुआ आप यहाँ तक देख लिए हैं, तो आगे का विषय क्या है हम कल देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।